ओ हाँ छोड़ दो। फाइनल लुक। ज़रा हम बोर हो रहे थे, मैंने कहा यार थोड़ा सा रूम को कुछ करते हैं, तो ये कुछ आर्ट्स थी हमारे पास, ये हमने लगा दी। इधर सेंटर च अपना सिल्वर फ्लेयर बटन, तो ऐसा इतने टंग थी, तो इतने भी ऐसा कुछ शैमल आती हैं। ये हमें शायद किसी ने ऑटो शो पे दिया था, याद नहीं है यार किसने दिया था, जिसने भी दिया था थैंक यू। एक जैन ने हमें एक वॉच भेजी थी, थैंक यू जैन बॉय, तो हमारे काम आ गई है। तो ये हो गया। अब हमने सोचा है कि जो ये वॉल है हमारी, इसको हम बनाएंगे वॉल ऑफ फैंस। फैंस बोले तो अगर कोई हमें फैन आर्ट या इस तरह का कोई चीज आती है तो हम इस पे लगाएंगे। ये कपड़ा उठा के हम बाहर फेंक देंगे, तो यू नो जरा सामने जिन एवरीथिंग आ रही हो। इथे एक टीवी ले आना इंशाल्लाह जल्दी, बस पैसे आ जाए ना किसी तरह, अल्लाह दुआ करो अल्लाह पैसे दे, तो फिर मैं भी बड़ा या टीवी लुआ हुआ। ये कुछ सोचा आइडिया है, तो इफ यू वॉन्ट टू सेंड एनीथिंग यू कैन कॉन्टेक्ट इरजम यजदान माई मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर कंसिस्टेंट व्लॉग। व्लॉग्स की कहानी आजकल जरा लेट है, उसकी रीजन ये है कि जरा काम पे ध्यान दिया जा रहा है थोड़ा सा। नंबर टू ये है कि गर्मी बहुत है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है बॉस। जो गाड़ी के थोड़े बहुत काम है वो साथ साथ चलते रहेंगे, जो लाइफ की अपडेट है वो साथ साथ आपको देते रहेंगे, लेकिन अब होगा ये कि अब वीडियोस थोड़ी सी आएंगी लेट, पता नहीं कब तक, लेकिन कुछ टाइम तक, हफ्ते में शायद आपको एक या मैक्सिमम दो वीडियोस देखने को मिले, बट मिलती रहेंगी इतना वादा कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा काम हो जाएगा स्लो, तो आप भी रहें जरा स्लो, ठीक है। सब्सक्राइब तो समझ भी करना नहीं, वो भी मठी जी स्पीड के नाल जा रहे हो तो फिर मैं भी मठा हो जाता ना, क्या जी थे अंजी सही। खैर अभी लेट्स गो डाउन एंड वी हैव समथिंग टू डू टुडे। जनाबे वाला इस गाड़ी की जो लुक है, जो ये कलर है, इस कलर की डिमांड है कि भाई मुझे मैक्सिमम जितना हो सके ग्लॉस ब्लैक चाहिए, ग्लॉस ब्लैक। उस टच के लिए आज हम फिर से निकल रहे हैं। एक इस गाड़ी की जो रिम है ना, रिम मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा इन्हीं रिम को ब्लैक करके देखते हैं कि क्या निकालते हैं। नो डाउट ये रिम मुझे बड़े पसंद थे, नाडो पे तो इसने बहुत चस कराई है, बड़े ही आइकॉनिक से रिम थे और थे भी क्रोला के, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं थी। इस दफ़ा इस कलर के साथ इनको ब्लैक चाहिए, जब तक हमें कोई बड़ा रिम नहीं मिलता तब तक हम एक लुक इसकी पूरी करने की कोशिश करते हैं। अब रिम्स ब्लैक करने के लिए आप या तो उनको पेंट करते हैं या फिर आप उनको रैप करते हैं। अगर आप स्प्रे पेंट करेंगे उससे आपके ओरिजिनल रिम सेव रहते हैं, लेकिन एक दो वॉश के बाद वो फिर उतरना शुरू हो जाएगा और वो गंदा लगेगा। दूसरा ऑप्शन है टेम्परेरी रिम ब्लैक करने का, रैप। तो इस दफ़ा रैप ट्राई करके देखना है, अगर परमानेंट, क्योंकि मैं शायद इन रिम्स को कल को सेल कर दूं फिर, इसलिए इनको मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा इन पे ब्लैक पेंट करके, क्योंकि जो इनका जेन्युइन पेंट है, जेन्युइन चीज़ है, वो बहुत प्यारी है। तो रैप कल को हम जब जाएंगे इजीली इससे उतार देंगे। वी आर हेयर एट मैप, गाड़ी हमने लगा दी है, अगले दो रिम खोल ली हैं और दाऊद भाई इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन रैपिंग दीज रिम्स। और इसके बारे में सोचा ये है कि क्योंकि बॉस ये होंगे कि नहीं, ये वाले पार्ट्स नहीं होंगे ना, सिर्फ सिल्वर ऊपर वाला क्रोम वाला ओके जी, सिर्फ ये जो सिल्वर पार्ट है सिर्फ ये रैप होगा, ये वाला ऑलरेडी डार्क सा कलर है ग्रे, तो इसको रहने देंगे। वैसे भी इसके ऊपर पेपर मुश्किल ही है पहुँचे, तो लेट्स सी ये ब्लैक के साथ क्या लुक बनती है। ओके जी, फर्स्ट रिम इज डन एंड ऑल ब्लैक शाइनी शाइनी
ये है हमारा पुराना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡੀਟੈਚ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲੁੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਜਬ ਇਹ ਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ। ਬਟ ਇਸ ਕਲਰ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਰਿਮ ਔਰ ਯਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਗਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਬਣਦਾ। वी आर हाफ वे देयर एंड द रिम लुक्स, द रिम्स लुक एब्स, द रिम्स लुक्स एब्सोल्युटली स्मैक्सी। लुक एट दिस, लुक एट द ग्लॉस, और जो ग्रे के साथ मिक्स हो गए आ रहा है ना एक कम्बिनेशन, वो बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। कैन यू सी, कैन यू सी, गुड्डे लग गया सारा डैब है। अपने मिशन में हम हो गए हैं कामयाब, और जो ब्लैक रिम्स के साथ लुक अभी रात के टाइम आ रही है, मैं कहता हूँ स्वाद आ गया स्वाद। दिन के टाइम अभी पता नहीं कैसी लगेगी, वो भी दिखाते हैं अभी, लेकिन फ़िलहाल रात वाली ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। ओए हो, सबसे पहले अभी थैंक्स टू दाऊद भाई, दाऊद भाई आप ज़रा सैड में आएंगे, आपकी मेहनत है आज सारी। इनकी मेहनत की वजह से आज हमारे रिम हो गए हैं काले पप्पू। और अनदर थैंक्स टू डैब, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बताएं। थोड़े से दिन के शॉट्स और थोड़े से अभी के शॉट्स आपको करते हैं इंजॉय। लूर लूर फिर रहा हूँ मैं, कोई समझ नहीं आ रही कितों शॉट लवा कितों नहीं, है अजीब है अजीब है। गार्ड मेरे वाल देखी जा रहे ने, और की ओए वीडियो बना रहे हैं, मेरा पाकिस्तान है, मैं जिथे मर्जी वीडियो बनावा। अरे माशाल्लाह यार, ब्लैक रिम आउट क्लास, आउट क्लास, यही मैं चाहता था, यही लुक चाहिए थी, ये एग्जैक्ट ये लुक चाहिए थी। ओके जी, आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस व्लॉग इस नोट पे, कि इन रिम्स की कहानी अच्छी रही, हमने बहुत इन्जॉय कर लिए रिम। और देखो मज़ा इस चीज़ में है कि आप चीज़ों को चेंज करते रहो टाइम के साथ साथ। इन रिम से मुझे प्यार इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं कोई ओवर काम करूं इस गाड़ी के साथ, तो करोला के ही रिम्स थे, करोला पे ही लगे और मज़ा आया। आप लोगों से मनवाए मैंने रिम, आधे लोग इन रिम्स के हक में नहीं थे, लेकिन फिर जब लगे तो एक आइकॉनिक रिम बन गया। अब इस कलर की ये डिमांड थी, इस कलर की ये डिमांड थी कि हम इनको ब्लैक करें, तो ब्लैक भी कर ली और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इंटीरियर तो माशाल्लाह यार क्या बात है, ये ग्रे को चेंज करना है हमने, लेकिन अभी दिल नहीं कर रहा, अभी इस ग्रे से दिल नहीं भर रहा हमारा। क्या खूबसूरत कम्बिनेशन लगता है ये विद ऑक्स एलईडीज़ के साथ, ज़रा यू नो बहुत शिशका सीन हो गया अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कोई नया रिम हमें जल्दी से मिले और फिर हम थोड़ा सा चेंज करके देख लें कि कोई बड़ा रिम, अगर कोशिश करेंगे बड़ा मिल गया। अव्वल तो 17 से मैं बहुत खुश हूँ, 17 इंच चलाने में भी मज़ा है और गाड़ी ड्रॉप भी ठीक हो रही है। अब हमारी इतनी ज़्यादा कुछ ज़मीन में रगड़ने वाले तो हम हैं नहीं। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दीज रिम्स, कि ब्लैक में आपको कैसे लगे, ठीक है।
वैसे तुहानू अच्छे ना भी लगन ते मैनू अच्छे लग रहे ने। अजकल मैं बड़ा ईगोस्टिक हुआ हूँ सबके साथ, ठीक है, तो तुहाडे नाल भी ते जरा मेरे नाल तमीज़ नाल रहना है। ओके 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 बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन आफ्टर अ वीक मे बी, और मे बी 2 वीक्स, और मे बी 3 वीक्स, और मे बी नेवर एवर एवर।